अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिंद इस्लामिक चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कुरान की आयत जिसे पढ़कर पानी पर दम किया जाए और मरते हुए यानी कि बीमार आदमी को पिला दिया जाए तो अल्लाह उसमें शिफायाब करता है। पानी पर दम करके इस कुरान की आयत को पढ़ेंगे और जो बीमार है उसको पिलाया दिया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारा चैनल नया है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इस पर अमल करें। एक दिन हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में वजू बना रहे थे। इतने में एक सहाबी जिनका नाम है हजरत सलमान फारसी रदिल्लाहु ताला अन्हो रोते हुए आए तो उन्हें देख कर हुजूर ने फरमाया कि तुम रोते क्यों हो, तुम्हारे रोने की क्या वजह है। तो यह सुनकर सलमान फारसी रदिल्लाहु अन्हो ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरा जवान बेटा है जो बहुत बीमार है और मुझे डर है कि नमाज पढ़ के मैं घर जाऊँ इससे पहले कि मेरा बेटा अल्लाह को प्यारा ना हो जाए, उसका इंतकाल ना हो जाए। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनकर हुजूर ने फरमाया एक पानी का भरा हुआ प्याला लाओ। तो सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पानी का भरा हुआ प्याला लाए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आयतुल कुर्सी पढ़ी और कहा तुम भी पढ़ो मैं भी पढ़ता हूँ। फिर इस पानी में फूंक मारा। इसके बाद प्याला सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया और कहा घर जाओ और सबने बेटे को पिलाओ। उसके बाद सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर गए और बाहर से पानी का प्याला घर वालों को देकर जल्दी जल्दी मस्जिद नबी आ गए। डर था कि कहीं नमाज ना छूट जाए। फिर नमाज पढ़ना शुरू किया। नमाज के बाद हमारे नबी ने जैसे ही सलाम फेरा दुआ करना भी बाकी था। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे की फिक्र में खड़े हुए और जाने लगे। थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि क्या देखते हैं, उनका बेटा आखिरी सफ में नमाज पढ़ रहा है। हुजूर ये देखकर हंस पड़े। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू थे। हुजूर ने कहा सलमान, तुम क्या समझ रहे थे तुम्हारा बेटा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा यानी कि उसका इंतकाल हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ सारी दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं आयतुल कुर्सी, वहाँ से काम करना शुरू करती हैं। आयतुल कुर्सी पढ़कर घर से निकलो तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर देता है। यह आयतुल कुर्सी की फजीलत। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, तुमने आयतुल कुर्सी पढ़ी और कयामत तक आने वाले मेरे जो उम्मती आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी पर दम करके पियेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें शिफा याब कर देगा, उनकी हर बीमारी को मिटा देगा, हर बीमारी से उनको महफूज कर देगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ 101% यानी कि 1.1% शेयर करें क्योंकि किसी ने भी इस पर अमल किया यही एक शेर हमारी मगफिरत का जरिया बन जाएगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हर एक बीमार को शिफा अता करे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर तो ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।